रही है क्राइम स्टोरी। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में खेल महोत्सव में शिरकत करने पहुंचे यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कासगंज में कड़ी कार्रवाई के साफ संकेत दिए हैं। उन्होंने मीडिया के सवाल पर कहा कि किसी को भी तिरंगा फहराने के नाम पर गोली चलाने का अधिकार नहीं है। इस मामले पर सरकार निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई करेगी। बरेली के डीएम राघवेंद्र विक्रम सिंह की फेसबुक पोस्ट कमेंट पर इलाहाबाद में दिए बयान को संशोधित करते हुए कहा कि किसी भी अधिकारी को नेताओं की भाषा बोलने का अधिकार उनकी सरकार में नहीं है। कार्रवाई के बाबत पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, उनकी सरकार ठोस और कड़ी कार्रवाई करेगी। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से शिवशंकर मदनवाल की रिपोर्ट। जो कार्रवाई है सरकार बहुत सख्ती के साथ जितनी कार्रवाई करना है वो करेगी, और ऐसी घटनाएं हमारी सरकार बर्दाश्त नहीं करती है कि कोई तिरंगा लेकर के जाए और उस पर कोई गोली चलाए तो उसके खिलाफ कार्रवाई करे। निश्चित तौर से ऐसे डीएम जिसकी भाषा एक नेता की तरह है उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। देख रही है क्राइम स्टोरी।